वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम जो है अपना एलएलपी में फर्स्ट क्लास हो चुका था, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा था कि एलएलपी क्या है, एलएलपी क्यों है, लीनियर प्रोग्रामिंग हम क्यों पढ़ते हैं, किस पर्पस को फुलफिल करता है ये। उसके बाद हमने इसके भी क्वेश्चंस को नहीं देखा है, लेकिन हाँ इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है उसको समझा। टोटल चार स्टेप पढ़े थे हमें लास्ट क्लास में। स्टेप नंबर वन कि जो इन इक्वेशन होता है उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, वहां से हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद शेडेड एरिया बनाएंगे और कॉमन रीजन उसमें देख लेंगे कि कॉमन रीजन कौन सा है। कि हमने कुल चार स्टेप पढ़ा था। स्टेप नंबर वन क्या, टेबल बना लेना। स्टेप नंबर टू ग्राफ बना लेना। स्टेप नंबर थ्री आपका जो है शेडेड एरिया और कॉमन रीजन। स्टेप नंबर फोर, ये चार स्टेप्स में हमने अच्छे समझा था। लेकिन आइए आज हम क्या सीखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आपके पास में मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x + 4y। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर ये जेड क्या है, ये 3x क्या है, ये 4y क्या है, x क्या है इसमें, 4y क्या है, किस चीज को मैक्सिमम कर रहे हैं, किस चीज को मिनिमम कर रहे हैं, वो सभी चीजों पर मैं आऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसेस है उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारा बस एक ही फोकस रहेगा क्या, कि बस इक्वेशंस को डेवलप करना। इक्वेशन डेवलप करा, आगे सॉल्यूशन सेम। इक्वेशन डेवलप करा, आगे सॉल्यूशन सेम। तो आगे मैं बस आपको इक्वेशंस को बनाना सिखाऊंगा, सॉल्यूशंस नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है? हाँ जी। तो बात करते हैं मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x + 4y। तो सबसे पहले आपको यहां पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए दो मेथड्स हैं आपके पास में। दो मेथड में से फर्स्ट मेथड आपके पास में है कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं उसको हम, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है जब उस पे जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। फिलहाल फर्स्ट मेथड देखो, आप किसी भी फिगर को अगर आप कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं या प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास में दो मेथड रहेंगे। एक मेथड आपके पास में क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड है। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड पे हम जाएंगे उसकी बात करेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। पहले आप अपने वही चार स्टेप फुलफिल कर लीजिए जो आपने पहले किया था। क्या किया था आपने, आपने सबसे पहले क्या किया था कि आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, हम क्या करेंगे इसको x + y इसको = 4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? एंड यहां पे वैल्यू निकालेंगे तो टेबल में अगर आप वैल्यू रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर x की इक्वल टू अगर आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। और अगर आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसके लिए टेबल आप क्या फॉलो करने वाले हैं, टेबल कुछ इस, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो बच्चे, जरूरी नहीं x की जगह पे 0, y की जगह 0, आपका मन करे जो दिल में आए वो रख सकते हो, वो रखेंगे। इससे ग्राफ हमारे लिए इजी हो जाता है, ऐसे ग्राफ हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि नियर बाय नंबर रहेंगे हमारे पास में x0 पे y4, एंड जब आपके पास में y0 है तो आपका x क्या है, 4 है। क्लियर है? एक अब मेरे पास में सेकेंड ग्राफ है मेरे पास में x = 0, तो सिंपल है और आगे क्या सिंपल है, बस अब ग्राफ बनाते हैं यहां पर। इसके लिए तो कुछ चलिए, अब अगर आप ग्राफ बनाते हैं इसके लिए दिस वन, ये कुछ इस तरीके से y, y' x, x', ये आपके पास में ओरिजिन है 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। आगे सॉल्व करते हैं 1, 2, 3, 4, ज्यादा तो है नहीं, 4 तक ही है, तो आप चलो एक एक्स्ट्रा ले लो 5 तक ही आसानी से बना पाओ, -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे तो x 0 एंड y 4, तो x की क्या है 0 y 4, दिस वन। क्लियर है? और आपका x 4 एंड y 0, ये x आपका क्या है 4, तो y क्या आपके पास है 0, x की वैल्यू 4 है, y 0 है। तो आप इस लाइन को सबसे पहले कनेक्ट कर दीजिए दिस वन, इस तरीके थोड़ा लंबी लाइन खींच दें, दिक्कत नहीं है कोई। क्लियर है? अब यहां पर हम क्या करेंगे, शेडो भी साथ साथ आप बना सकते हैं क्या, कि आप सबसे पहले एक काम करें 0 0 पुट करें, अपने इक्वेशन को लिखें, फर्स्ट इक्वेशन के आपके पास में
एक्स प्लस वाई एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 0 0। हाँ बिल्कुल, ये आपका ट्रू हो गया क्योंकि आपका 0 लेस देन होता है 4, तो आपने इस ओरिजिन को फिल करा था और ये ट्रू भी हुआ है। तो इस तरफ आपका शेडेड एरिया, इस तरफ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स इक्वल्स टू 0, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, ठीक है, और आपके पास वाई की वैल्यू है ही नहीं, तो वाई के पहले एक्स की वैल्यू 0 ही है यहां पर, बात समझिएगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, तो वाई की वैल्यू नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं होती है क्या करते हैं, उसी के पैरेलल बनाते हैं, तो यहां पर उसके पैरेलल, तो आप ये लाइन मोटी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, तो सिखाया था ना मैंने आपको, याद होगा दिस कि एक्स की वैल्यू 0 है तो आप आगे पीछे कर नहीं सकते, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जिसकी वैल्यू गिवन होती है वहां पर रहना होता है, अगर वो दूसरा वेरिएबल नहीं है तो उसके पैरेलल होता है, तो इसके पैरेलल तो नहीं जाएगा ना क्योंकि अब फिर इसी पे आ जाएगा लाइन वो, ठीक है। और यहां पर आपके पास में नेक्स्ट क्या है आपका, वाई, अब इसके लिए शेडेड एरिया बनाएंगे, तो अगर आप यहाँ पर एक्स 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका फॉल्स है, तो ये शेडेड एरिया किधर बन जाएगा आपका, ये शेडेड एरिया आपका इधर बनेगा, ये खैर 0 है ना, तो 0 पे तो आप कुछ भी नहीं रख सकते, तो आप एक काम करिए कि आप यहाँ के ओरिजिन को रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 1 रख के देखिए आप, क्लियर है जी, तो एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, ये चीज इस ओरिजिन को, इस लाइन के ओरिजिन को, ठीक है, तो आप एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये 0 हो गया ना ये, तो बिल्कुल तो आपको पता नहीं लगेगा लाइन के इधर जाना है इधर जाना है, तो क्या तो इधर की कोई वैल्यू रख लो, तो इधर की रख देता हूँ एक वैल्यू, इस जो आपने ग्राफ बनाया इसके राइट साइड की वैल्यू रख देता हूँ, तो इतना सही नहीं है, 1 रख दिया तो 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता तो ठीक है, तो सही है, फिर आपका ये जो है कुछ इस तरीके से ये शेडेड एरिया आपका बनेगा, ठीक है। वाई 0, तो वाई की वैल्यू तो 0 आपके कहाँ रहेगी, वाई की वैल्यू भी आपके 0 जो है वो यही रहेगी, तो वाई तो कन्फर्म है 0, जो नहीं होता उसके पैरेलल, तो वाई तो ऊपर नीचे नहीं कर सकते ना, वाई की फिक्स वैल्यू है दिस वन, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई वैल्यू रख दो वाई में, वाई की वैल्यू क्या रख दो, -1 रखोगे तो -1 इक्वल टर्न नहीं होता है, बात समझे नहीं समझे, अगर आप वाई की वैल्यू आप रखेंगे ऊपर तो ये आपके पास में क्या आता है, ऊपर रख दो अगर आप 1 तो ट्रू है ना, वाई के ऊपर की 1 रखोगे तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो ठीक है, फिर आपके पास में ये एरिया क्या हो गया, इसके ऊपर आएगा दिस वन। अब आप कॉमन रीजन ढूंढे जहां पे सारी लाइनें आ रही हैं, अगर मैं यहां की बात करूंगा तो यहां पे ये लाइन आ गई, ये आ गई, ये ठीक है, बट गहरी लाइन नहीं आएगी, ये शेडो नहीं आएगा, जब सारे शेडो बन रहे हो, तो ये ट्राइंगल जो आप देख रहे हो ना दिस वन, इस कलर से करूं जो आपको दिख जाए, ये आप देख रहे हो, ये आपके पास में, ये बात समझे, क्लियर है, और जहां पर भी आपके पास में ये जो आपके पास में आए हैं, ये मैं ये इसकी बात कर रहा हूं, क्लियर है जी, पहले बताइए यहां तक चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई है, ये देख लीजिएगा, तो आप सबसे पहले आपका वही स्टेप्स को आपको यहां पर भी फॉलो करना है, कुछ भी आपको यहां पर नया नहीं करना है, ये चीज देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा, देख लो पहले आप, आज तक कह रहे हैं रिपीट कर दो, ठीक है रिपीट करता हूं मैं, तो साथ कह रहे हैं एक्स वाई, फिर बता दो, फिर से बता देता हूं, और बाकी जो बच्चे हैं अपने कमेंट कर रहे हैं वो कीजिए,
क्लियर है जी? देखिएगा, मैं फिर से बताता हूं आपको कि क्या है इसमें। हाँ जी बच्चे, देखिएगा क्या है बेटा इसमें। बच्चे इसमें यह है कि आपके पास में कि एक्स इक्वल्स टू जीरो, मैंने इस इक्वेशन को ट्रीट करा एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू तो फिक्स है कि जीरो है, तो जीरो यहां पर है, बट वाई नहीं गिवन है। जब y नहीं गिवन है ना, कभी भी x की वैल्यू दिया हुआ होता है ना, तो वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होता है। x की वैल्यू दे दे तो x की वैल्यू पे खड़े होना है और वो वर्टिकल वहां से ड्रॉ कर देना है, अगर दूसरा वेरिएबल नहीं है तो। तो इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 5 होता ना, तो मैं 5 पे रहता और मैं वर्टिकल ड्रॉ कर देता अगर दूसरा वेरिएबल नहीं है तो। तो एक्स की वैल्यू आपके पास में जीरो है, दूसरा वेरिएबल नहीं है तो मैंने वर्टिकल खड़ा कर दिया, इसी लाइन पर ही लाइन आ जाएगा। इसी तरीके से वाई की वैल्यू जीरो है, जो y की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू अगर गिवन है और x गिवन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल आ जाता है ये लाइन आपकी, तो यहां पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। क्लियर है? y की वैल्यू 5 होती और x कुछ भी नहीं था तो मैं यहां से हॉरिजॉन्टल मार देता। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल में अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो x की वैल्यू गिवन होगा तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी x की वैल्यू पर, बात समझे? और अगर आपको y की वैल्यू गिवन है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, आप अपने नोट पर आप लिख भी लीजिएगा, नहीं तो सिंपल सा वे है इसको समझने का ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो कि जब एक्स की वैल्यू गिवन है तो आप उस वैल्यू पे गए, उस वैल्यू से तो आप मूव नहीं हो सकते हो, फिक्स है। अब कर क्या सकते हो आप? आपको फिर यही रास्ता बचा, उसी वैल्यू पे खड़े रहना है। वाई की वैल्यू दे दी तो वाई की वैल्यू पर आप आ गए, अब आप मूव नहीं हो सकते वाई की वैल्यू, तो उसी पे खड़े रहना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा और शेडेड एरिया बनाया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कॉर्नर पॉइंट, जो आपका शेडेड एरिया है ना, इसका कॉर्नर पॉइंट की मैं बात करता हूं। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए कॉर्नर पॉइंट्स के। तो कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 4 और एक कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0 और एक कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, 4, 0। कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ये बात समझ में आपको आई? क्लियर है कि x क्या है 4 एंड y क्या है 0। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको अपने पास में जो आपको z की इक्वेशन गिवन है कि z इक्वल्स टू आपके पास में क्या है 3x + 4y, तो अब बस यहां पर आप क्या करें, x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 16। और इसी तरीके से यहां पर आपके पास में z इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, और इसी तरीके से आप यहां पर z करेंगे तो 3 × 4 + 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12। तो सॉल्व करेंगे 12, ये सॉल्व करेंगे क्या आएगा 16, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में बच्चे 0 ही हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझे? तो इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी आपके यहाँ पर 16, आपके यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो इस पॉइंट को हम कॉर्नर पॉइंट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो कॉमन रीजन होता है उस कॉमन रीजन के आपको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स को आपको लेने हैं जहां पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट्स। तो कॉमन रीजन के जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये दिस वन कॉमन रीजन एरिया को ले लीजिए। क्लियर है? समझ गए? तो ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गया। चलिए एक सवाल और करेंगे आप, समझ में आपको आया या नहीं आया बताइए जरा। तो आसान है, आपकी जो मुश्किलें थी, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको हम तेजी में नहीं भगा, उसको सॉरी मैथमेटिक्स टू फाइनेंस को तेजी में नहीं भगा सकते थे हम, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स को तेजी में नहीं भगा सकते थे हम, तो वहां तो हमने फिर पेशेंस रखा, मतलब यहां भी आराम से चल रहा है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है और अच्छी प्यार प्यार से सिलेबस भी पूरा आपका हो जाएगा। सिलेबस की चिंता बहुत कर रहे हैं, बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ, अगर आपको टेंशन किसी चीज की लेनी है ना तो रिवीजन की टेंशन लीजिए कि अगर आपके पास है मैथमेटिक्स टू फाइनेंस अगर आपका हुआ है तो आप उसको 10 ईयर्स आपको खत्म कर लेना चाहिए, वो पिछले पांच साल के क्वेश्चंस को, मैट्रिक्स के पिछले 5 साल के क्वेश्चन खत्म कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई बेफिक्र रहिए, आप मेरा LLP भी हो जाएगा तो आप कम से कम अपने 10 ईयर में से जब आप करने के लिए बैठेंगे तो अब आपके मैथमेटिक्स फाइनेंस के भी क्वेश्चन होंगे, मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, LLP के क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन तो आप इजिली उसको आप टैकल कर लोगे। अब एक कैलकुलस का रहेगा जो हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे वो भी 10 ईयर से होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 20-25 तारीख तक आप परफेक्ट मोड पर आ जाओगे। लेकिन हाँ, अगर टेंशन किस चीज की करनी है तो किसकी करनी है, रिवीजन की करनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करेंगे, पहले टाइम मैं आपको दे रहा हूं, आपको मिनिमाइज करना है, आप करेंगे पहले।
जल्दी से सॉल्व करें इसको। देखिए, तो सबसे पहले आपको वही अपने ग्राफ और अपने शेडेड एरिया आपको बनाने हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। ये इन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास में इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे इक्वल्स टू 3, और यहां पर एक्स इक्वल्स टू आप एक बार 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। और एक बार आप वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। खैर वैल्यू आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू रखें जिससे कि आपका ग्राफ बनाने में आपके लिए कन्वीनियंट रहे, डेसिमल और फ्रैक्शन फेस ना करो। तो बेटर ये होता है कि आप 0 0 आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 0 पे करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 1। एग्जाम में आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, y की वैल्यू 0 रख दोगे तो पूरा 0, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब आपके इसको पहले टेबल में आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। टेबल में आप कन्वर्ट करते हैं इसको एक्स वाई, सॉल्व करेंगे तो एक्स क्या है 0 एंड वाई क्या है 1। सॉल्व करेंगे यहां पर हम x क्या हमारे पास में 3 और y क्या हमारे पास में, y हमारे पास में 0 है। बात समझ गए। अब आप यहां पर देखें x प्लस 3y इक्वल्स टू ग्रेटर देन 3 है हमारे पास में इक्वेशन में। आइए ग्राफ, जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव। क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पर तो x की वैल्यू क्या आपके पास में 0 एंड y की वैल्यू क्या आपके पास में 1। तो 0 पे आपका 1, दिस 1, और यहां पर x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू क्या है 0, दिस 1। एक आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये डॉटेड में खींचना है इसको, डार्क लाइन मत बनाना, ठीक है, थोड़ा डॉटेड करना। अब यहां पर अगर आप इक्वेशन वैल्यू रखेंगे, इन इक्वेशन को लिखो, इन इक्वेशन के फॉर्म को लिखो, क्या हमारे पास में एक्स प्लस 3y 0, आप इसकी तरफ की वैल्यू 0 0 अप्लाई कर दो। तो भैया ये तो फॉल्स हो गया, तो आपकी जो लाइन है ना वो ड्रॉ इस बार कहाँ होने वाली है, आपकी लाइन जो है कुछ शेडेड एरिया उसके ऊपर जाने वाली है। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट आपके पास में क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2। चलिए देखते हैं, एक्स प्लस वाई इसको मैं इक्वल्स टू 2 कर देता हूं, ठीक है जी, क्लियर है। और ये मेरे पास में क्या रहने वाला है, अगर मैं टेबल ही दैट बना लेते हैं, है ना, स्पेस कम है तो मैं कर देता हूं एक्स वाई, एक्स की जगह 0 दूंगा तो वाई क्या जाएगा 2, एंड वाई की जगह पर अगर मैं 0 रख दूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 2। तो 0 पे आपका 2 है, 0 पे 2 गिरा, और आपका x जब 2 है तो y क्या 0 है, ठीक है जी। यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, कुछ इस तरीके से। अब आप इसमें वैल्यू कहें 0, इसके अंदर अगर आप रखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू या ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 0 अगर आप रख देंगे ओरिजिन वाला तो क्या ये होगा, ये 0 क्या ग्रेटर देन 2 होता है, नहीं होता, नहीं, ये फॉल्स है, बात समझे। तो फॉल्स है तो आपने इधर की वैल्यू रखी है ना, इसके उधर ही जाएगा ये शेडेड एरिया भी।
ठीक है, पूरा येलो वाला यहाँ पर जाएगा, ये क्लियर है ना। और आपके पास में आप क्या है, एक्स इक्वल्स टू अगला इक्वेशन एंड एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू जीरो। जब एक्स जीरो है, क्लियर है जी, तो ये आपका वर्टिकल बनेगा, तो आपका यही ग्रीन लाइन ही हो जाएगी, ये एक्स जीरो है ना, उसको आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट नंबर है एक्स का, दूसरा वेरिएबल नहीं है, बस को वहीं पर फिर आपको खड़ा कर देना है ये, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब शेडेड एरिया अगर आप रखते हैं यहाँ पर, क्या है आपके पास में, एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, तो सबसे पहले आपके पास में ये लाइन है, तो आप ये ओरिजिन रख नहीं सकते क्योंकि बीच में लाइन आ गई है, या तो इधर का रख दो या उधर का रख दो, क्लियर है। तो इस लाइन के मैं इधर का रख रहा हूँ, माइनस वन रख रहा हूँ, तो माइनस वन ग्रेटर होता है, नहीं होता ना, तो इधर का रखने पर फॉल्स हो गया है, तो शेडो एरिया कहाँ चली जाएगा, इधर चली जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से आपके पास में वाई के लिए अगर आप रखते हो, तो ये आपके पास में इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी ना आपकी, दिस वन। और अगर आप y के लिए कोई ऊपर का वैल्यू देते हो वन, तो ये ट्रू है, तो ऊपर ही सही रहेगा आपका ये पूरा। अब मुझे एक ऐसा एरिया बताओ आप कि जहां पर आपके पास में बेसिकली, मेरे पास में एक दो तीन चार, चार मैंने बेसिकली क्या कर रखा है, लाइन ड्रॉ करे हैं, तो चार लाइन ड्रॉ करा है, तो सारे के सारे वहां पर आपके पास में आते हुए नजर आए, तो बेसिकली क्या देख रहे हो आप, जो मेन आप देख रहे हो, सारे एरिया कहा, येल्लो भी यहां आ गया, ग्रीन भी इस एरिया में आ गया, इन नीचे वाला एरिया नहीं है, तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास में, तो ये और ये, इसके नीचे वाले पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस बाकी चीज तो इसके ऊपर उठ रही है, तो ये आपके पास में कुछ इस तरीके से, ये दिस वन, ये कॉर्नर एक, ये हो गया कॉर्नर, ये दो लाइन इंटरसेक्ट है, क्लियर है जी, बात समझ गए। और एक आपके पास में ये हो गया, जरूरी नहीं कि हमेशा ट्राइंगल बने तो तीन कॉर्नर पॉइंट हो गए, एक के तो कोऑर्डिनेट आप जानते ही क्या है, एक का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 0.2 हो गया, एक कोऑर्डिनेट आपको पता ही है क्या हो गया आपके पास में 3.0 हो गया एक कोऑर्डिनेट आपके पास में, ये बात आप समझ रहे हैं, तो दो कोऑर्डिनेट तो आपके पास में आ ही गए, क्लियर है। और आपको ये कोऑर्डिनेट नहीं पता लग रहा है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप इस चीज को देखिएगा, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट नहीं पता लग रहा है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो लाइन का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट आप जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको इसका कोऑर्डिनेट आपको जानना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों लाइन के इक्वेशन को, टू वेरिएबल इक्वेशन जो एलिमिनेशन मेथड है उससे आप सॉल्व करके इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास दो लाइन कौन कौन सी है, एक तो आपके पास में एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री है, एक्स प्लस थ्री वाई इसको एज इक्वल्स टू ले सकते हैं थ्री, और एक आपके पास में इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू टू, इन दो लाइनों का x प्लस वाई इक्वल्स टू टू, देखिए ये दो लाइन है ना आपके पास में, x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू टू, क्योंकि मेरे पास में इसका कोऑर्डिनेट तो मुझे मालूम पड़ गया, इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं मालूम पड़ा, ये मैं जानता हूं कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दो लाइनों का कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको समझने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों लाइनों को आपको जो है दो वेरिएबल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, दसवीं क्लासेस में आपने टेंथ क्लास में सॉल्व करा था कि साइन चेंज कर दें आप यहां पर, तो क्या आ गया, ये कट गया आपके पास में, टू वाई इक्वल्स टू क्या आया आपके पास में वन, एंड वाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका वन अपॉन टू, और वाई की वैल्यू अगर आपने इक्वेशन एक में रख दिया एक्स प्लस थ्री एंड वाई की वैल्यू आपने वन बाय टू इक्वल्स टू थ्री, तो आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 3 बाय 2 एंड x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 बाय 2, क्लियर है जी। तो आपके पास में x और y के तो 3 बाय 2 1 बाय 2 ये कोऑर्डिनेट हो गए, क्या 3 बाय 2 एंड 1 बाय 2 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आपको मैक्सिमम आपको मिनिमाइज करना है ना इसको, तो आप इस तरीके से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, दिस वन। चलिए z इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं जो आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए दिया हुआ होता है। तो z इक्वल्स टू पहला कोऑर्डिनेट आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो 0 और 2, तो 0 प्लस 5 इंटू 2, तो z की वैल्यू कितनी आई आपकी 10, ठीक है। अब दोबारा से अगर आप एक z की वैल्यू फिर निकालेंगे आप, तो आप और क्या निकाल सकते हैं, 3, मेरे पे स्पेस कम है तो मैं जहां मर्जी आ रहा है मैं वो लिख रहा हूं, क्या है 3 और 0, तो 3-0 लिखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 9 जेड की वैल्यू, और उसके बाद आपने जेड की वैल्यू एक जगह और आप अप्लाई कर सकते हो, क्या 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 बाय 2 प्लस
y की वैल्यू क्या, 1/2। सॉल्व करेंगे 9/2 + 5/2, सॉल्व करेंगे आप 14/2, सॉल्व करेंगे आपका क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो एक बार जेड की वैल्यू क्या आई, 7। और आपसे पूछ कर रहे हैं, आपसे यहाँ पर इसको मिनिमाइज करने की बात कर रहा है। तो जेड की तीन वैल्यूज आपके पास में यहाँ पर आ गई है, और जेड की तीन वैल्यू में से आपके पास में मिनिमम वैल्यू कौन सी है जेड की, 7 है ना। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है जी, समझ गए। तो आपको पहले ये कॉर्नर पॉइंट समझ में आ गया, आपको कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट मेथड बताइए जी। 10 ईयर ले लें सिर्फ 10 का, बिल्कुल जी ले लीजिए। ये तो मैं कब से कह रहा हूं, अगर 10 ईयर नहीं लेंगे तो फिर पास होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस को आप जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जेके ठकराल हमने फॉलो करा भी है, बट इतने सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में क्या आएगा एग्जैक्टली उस समय एग्जाम के अंदर, वो क्लिक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या करना है इसमें, ब्लाइंड हो जाओगे एकदम से। और 10 ईयर का क्या रहता है, जो पैटर्न रहता है ना कि भैया क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है और यही यही सवाल पूछता है, और इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है, डिजिट्स चेंज हो जाएंगे बट आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, और मेरा मानना है कि डिजिट भी चेंज नहीं होगा। और 5-8 साल के सवाल कर लोगे तो कोई ना कोई सवाल कहीं कहीं से उठ करके आपको मिल जाएगा। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे शेडेड कैसे किया, तो देखिए मेरे पास में क्या था, मैंने पहले एक्स इक्वल टू 0 तो 0 करा मैंने। अब मैं एक्स पे तो मूव कर नहीं सकता हूं क्योंकि एक्स की वैल्यू फिक्स है, 0 है, तो मैंने ये वर्टिकल बनाया। अब क्या है कि अब मेरे पास ये लाइन आ गई ग्रीन वाली, अब ये लाइन आ गई तो मैं उधर जाऊं शेडेड करने या इधर जाऊं, बात ये है, तो आपकी मर्जी है। चाहे इधर का कोई एक पॉइंट ले लो एक्स का, क्योंकि एक्स की वैल्यू गिवन है ना आपके पास में, या तो इधर का एक्स का कोई पॉइंट ले लो या तो एक्स का उधर का पॉइंट ले लो, आपको जो दिल में वो कर लो। अब मैंने एक्स का कोई से पॉइंट ले लो, मैंने एक्स का पॉइंट कौन सा ले लिया, यहाँ पर इधर का ले लिया, चलो -1, तो एक्स का -1 ले लिया, तो इधर का पॉइंट लेने से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आप किधर का पॉइंट, जिस लाइन को ड्रॉ करा है ना आप, उस लाइन के किसी भी एक तरफ का कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए, अगर आपने जिस तरफ कोऑर्डिनेट लिया गया वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो शेडो उधर ही बनेगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो शेडो अपोजिट साइड चला जाता है। तो मैंने -1 लेकर के देखा, तो भैया ये -1 तो 0 से ग्रेटर होता नहीं है तो ये फॉल्स है, तो फिर मैंने इसके शेडेड उधर कर दिया, बात समझ गए। और वाई एक्सिस पे भी यहां पर ये था, तो यहां पर जब वाई की वैल्यू 0 गिवन थी तो वाई 0 है, तो यहां पर मैं वाई को तो अब मूव नहीं कर सकता, ये तो मेरे को इसके नीचे इस ऊपर कोई वैल्यू रख दूंगा, मैंने 1 रख दिया, चलो 1 ग्रेटर देन है तो ठीक है भैया, फिर आपके पास में वाई के लिए क्लियर है ना, वाई के लिए अगर मैंने 1 रख दिया वो तो 1 सेटिस्फाइड हो गया ना, -1 रखूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, -1 रखने पर बड़ा नहीं होता तो उधर ही जाएगा आपका शेडो, क्लियर है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कराएंगे, 10 ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं करवाएंगे भाई, आप हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो तो क्यों नहीं करोगे प्रैक्टिस बिना 10 ईयर को किए हुए, क्या हो सकता है। हमारा प्रैक्टिस और रिवीजन जो होगा वो 10 ईयर ही होगा, जिसको मैंने दिस वीक सैटरडे को मैं मैथमेटिक्स टू फाइनेंस करवा रहा हूँ, जो नए बच्चे मेरे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं, भरी बहुत भारी संख्या में सारे बच्चे जो है बिजनेस मैथ्स के साथ में जुड़े हैं, तो आप सभी जो जुड़े हो मैं आपको फिर से बार बार बता देता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि अब बच्चे जो है अलग अलग दिन जो है जुड़ते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शनिवार को मैथमेटिक्स टू फाइनेंस आपके क्लासेस में सारे लेक्चर डले हुए हैं सीक्वेंस वाइज, आप प्लीज उसको सैटरडे तक आप उसको खत्म कीजिए, आज वेडनेसडे आपका एंड है, तो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन में कैसे हाउ एनी कुछ भी उसको खत्म करो, शनिवार को मैं उसका 10 ईयर से प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप इजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है भैया समझे। हाँ भाई तो मैक्सिमाइज करने की इच्छा है तो कर दीजिए इसको भी जरा एक बार, करिए इसको, अगला मेथड भी हम डिस्कस कर लेंगे, जल्दी से करेक्ट करेंगे इसको आप। देखिए बच्चे क्या करना है आपको, वही काम आपको दोबारा से करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -1, आइए टेबल बना लेते हैं इसका। सबसे पहले अगर आप एक्स इक्वल्स टू यहां पर 0 अप्लाई कर दोगे तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, वाई इक्वल्स टू आपका 1 आएगा, और इसी तरीके से अगर आप y इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर दोगे तो x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो टेबल क्या रहा आपका यहां पर, आपका टेबल आपका रहा x y, तो सॉल्व करते हैं यहां पर हम x 0 y 1, सॉल्व करते हैं यहां पर हम x -1 y इक्वल्स टू 0,
क्लियर है जी। तो एक्स जीरो वाई वन और मेरे पास में क्या है वाई जीरो एंड एक्स माइनस वन हुआ। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ग्राफ बना लीजिए, साथ साथ काम करते रहेंगे। जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, क्लियर है जी। माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, दिस वन। तो चलिए जीरो पे वन, एक्स जीरो है तो वाई क्या वन, दिस वन, एंड आप माइनस वन पे जीरो, तो माइनस वन पे क्या है जीरो। तो ये लाइन ड्रॉ हुई है आपकी जी, फिर आप बना लेते हैं दिस वन दिस वन दिस वन। लेकिन पॉइंट आपका ये रहेगा और एक पॉइंट आपका ये रहेगा, दो, क्लियर है जी, समझ गए। अब मेरे पास जो लाइन है ना, तो लाइन के या तो आप इस तरफ का कोऑर्डिनेट रख दो, कोई से भी आप दे सकते हो माइनस फोर कोमा जीरो माइनस थ्री कोमा जीरो, या फिर आप थ्री कोमा जीरो, अब जीरो कोमा थ्री, तो मतलब लाइन के इस तरफ का कोई भी कोऑर्डिनेट आप रख के चेक कीजिएगा, या तो उस तरफ का जिस तरफ रखना चाहे रखिए, इसकी आपको पूरी आजादी है। तो सॉल्व करते हैं, क्या मेरे पास में एक्स माइनस वाई एंड लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन। खैर मैं यहाँ पर ओरिजिन रखना पसंद करता हूँ ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन आसान रहे। तो जीरो लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, तो मैंने इस तरफ का रखा था, मतलब ओरिजिन क्या है इसके इस तरफ है, और रखने से क्या हो गया ट्रू हो गया, तो ट्रू मतलब सेटिस्फाइड हो गया, तो मेरा शेडेड एरिया जो है ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है बात, समझे। अब इसी तरीके से अगला इक्वेशन क्या है मेरे पास में, नेक्स्ट इक्वेशन है मेरे पास में माइनस एक्स प्लस वाई लेस, इसको इक्वल्स टू आप ट्रीट कर दीजिए जीरो, तो टेबल आइए बनाइए एक्स एंड वाई, अगर आप यहां पर एक्स जीरो रख देंगे तो वाई क्या आएगा जीरो, वाई जीरो रख देंगे तो क्या आएगा जीरो, तो ये बेसिकली क्या हो गया आपके पास में एक्स जीरो वाई जीरो दिस वन, अगला भी आपका एक्स जीरो वाई जीरो आपका दिस वन, ये रहा आपके पास में, क्लियर है। तो ये तो आपके पास में क्या हो गया, ये तो आपके ओरिजिन पे ही ये पॉइंट्स आपके आ गए, एक सेकंड चेक करने दो मुझे कौन सा है इक्वेशन, हाँ सॉरी फॉल्स हो गए, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा मुझे, जीरो जीरो करा ना मैंने, तो ये क्या हुआ जीरो जो है आपका माइनस वन से छोटा नहीं होता बड़ा होता है, ये फॉल्स है आपका, तो फॉल्स है तो इधर का रखने वाला फॉल्स हो गया, तो उसी तरफ वाला फिर होगा, तो मैं यहां पर शेडो शेडो एरिया ये बनाऊंगा, ये समझ में आपको आया नहीं आया, क्लियर है जी बात, समझ गए, कोई डाउट किसी बच्चे को। और जब आपके पास पे ग्राफ जीरो जीरो एक्स और वाई जीरो जीरो आ रहा है तो आपके पास में ये यही पॉइंट रहेगा, इसलिए कुछ नया क्रिएट आपका नहीं होगा, ठीक है जी। अगर आप यहां पर इसके पास में अगर आप रख देते हैं माइनस वन कोमा जीरो सेकेंड इक्वेशन के लिए, माइनस वन प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, तो क्या आया वन, क्लियर है जी। तो मैंने इस लाइन के पास में मैंने कुछ क्या करा इसके इस तरफ का रख दिया माइनस वन कोमा जीरो, यही रहेगा आपके माइनस वन कोमा जीरो, तो ये भी आपका क्या जाएगा ये ऊपर ही जाएगा आपका शेडेड एरिया। पहले आप ये देख लो यहां तक, अगर आपको कोई डाउट है तो पहले आप पूछ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है करो जरा इसको डन, चलिए आगे बढ़े देखते हैं, चलिए देख लेते हैं जी। हाँ जी बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन किस तरीके से आप करेंगे, सबसे आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या बना आपके पास में, नेक्स्ट टेबल क्या बना आपका नेक्स्ट के लिए एक्स वाई, तो जीरो 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 जीरो, कभी भी ऐसा बन जाए मतलब कि हर बार ओरिजिन ही आ जाए, तो आप यहां पर एक काम करेंगे, क्या करेंगे आप ये ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, ये होता है इसका ग्राफ, किसका
दिस वन, 0000 का। अब मैं इस लाइन के या तो इधर शेडो बनेगा या तो इधर शेडो बनेगा, कैसे पता करूंगा? या तो इधर के कोई कोऑर्डिनेट, आप देखिए 0 0 है ना, तो मैं 0 0 तो अप्लाई कर नहीं सकता इस इक्वेशन में, किसमें, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, कि तो बिल्कुल ओरिजिन पे नहीं आ गया ना। तो इस लाइन के तो इधर का कोई भी कोऑर्डिनेट पकड़ लो आप, इधर का आप माइनस वन, आप ये पकड़ लें कि आपका 0, -1 पकड़ लो आप इधर का ये पकड़ लें 1, आप 0 पकड़ लो। चलिए मैं 1, 0 देता हूँ, 1, क्लियर है जी? मैंने इधर का रखा, ये वाला कोऑर्डिनेट मैंने रख दिया, तो क्या हुआ ये -1 इज लेस देन 0, तो ट्रू हुआ, तो मुझे शेडो इधर बनाना पड़ेगा। तो भैया एक का शेडो हमेशा उधर रहेगा, एक का शेडो हमेशा इधर रहेगा, तो यहां पर कोई भी कॉमन जो है रीजन नहीं आएगा, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है मैक्सिमम मिनिमम का, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। क्लियर है जी? बात समझे या नहीं समझे? कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे, कोई डाउट है तो पूछिए। डन? ओरिजिन टेस्ट इसलिए नहीं हो सकता तुषार, क्योंकि देखिएगा हम किसी लाइन के किसी भी एक तरफ के कोऑर्डिनेट को अप्लाई करते हैं जिससे पता लगता है कि ये उधर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ये ओरिजिन पर है तो ये तो इस लाइन के ऊपर ही आ गए ना, तो मुझे तो लाइन के या तो इस तरफ के पॉइंट चाहिए होते हैं, तो लाइन के मुझे इस तरफ के पॉइंट चाहिए होते हैं। तो आप इस तरफ का पॉइंट कोई भी ले सकते हो, आप यहाँ पर ले सकते हो 0, 1 ले सकते हो, आप कोई पॉइंट ले सकते हो, तो इधर का कोई भी पॉइंट ले लो। अब जैसे ये था मेरे पास में, तो मैं इसके इस तरफ का मैंने 0, 0 ट्राई कर लिया था। सर अगर -1, बच्चे यहाँ पर आपका एक्स वाई दोनों है, दोनों लेना पड़ेगा आपको, तो आपका -1, 0 लेंगे आप, तो -1, अगर 0 लेंगे अगर आप, तो क्या आएगा आपके पास में? देखिएगा आप इधर का ले रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा बस, -1, 0, तो -1, -1, 0 ये ले रहे हो ना आप, ठीक है, तो आपका 0, तो क्या हो गया 1 इज, तो ये आ गया ना माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका क्या 1 एक छोटा होता है 0 से, नहीं फॉल्स हो गया ना अगर इधर का लिया तो, फिर भी शेडो आपका इधर ही बनेगा। बात समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट? तो आइसो प्रॉफिट मेथड हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज तक टाइम है नहीं कि उस मेथड, वो भी आसान है, तो कल हम इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेंगे, और इसके सॉल्यूशन को समझने के बाद परसों क्लासेस में इसके इक्वेशंस को बनाना सीख लेंगे, 2-4 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके नेक्स्ट डे 10 ईयर में से हम जो है एलपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और 2-4 क्लासेस उस पर लगा करके जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन छोड़ करके फिर कैलकुलस पर हम आ जाएंगे। ठीक है जी?